भोर भक्ति में प्रेम की महाभक्ति यात्रा में मैं विशाल करवत आपका स्वागत करता हूं। यदि किसी के जीवन में संसार का सब कुछ हो और प्रेम ना हो, वही प्रेम के वास्तविक महत्व को समझ सकता है। ये प्रेम जीवन में अनेक प्रकार से स्थान रखता है। जब प्रिय के लिए हम अपने अस्तित्व को भुला देते हैं, ऐसी कुछ भावना का नाम है प्रेम। मोटे शब्दों में कहें तो प्रेम में समर्पण का कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई वही खाता नहीं भरा जाता। ये प्रेम ही जो हम सभी के प्रति सहिष्णु और स्नेहशील बनाता है। ये प्रेम ही है जो हमें निरंतर जीवन और समाज को और प्रेम में बनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि कबीर ने कहा, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाई, राजा प्रजा जिस रुचे तीस दे ले जाए। सच्चा प्रेम ईश्वर की भक्त की तरह होता है, जिसमें लगन और योग का संजोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये नियम आज भी लागू है कि प्रेम में अकड़ नहीं, नम्रता पहला मंत्र है। कृष्ण का मोहिनी रूप वैसे तो किसी चित्र में नहीं समा सकता, किंतु सामान्य से सामान्य चित्रकार भी यदि श्री कृष्ण का चित्र बनाए तो वो मोहिनी हो ही जाता है। ऐसा ही एक चित्र देखकर मीरा कृष्ण पर मोहित हो गए और उन्होंने अपनी मां से पूछा, ये मुझसे मिलने आ सकते? मां ने कहा, पुत्री चित्र से निकलकर कोई कैसे आ सकता है? मीरा ने मन ही मन कहा, कोई शायद ना आ सकता, किंतु ये तो मेरे पति और मैं इनकी प्रेयसी, कृष्ण मुझसे मिलने अवश्य आएंगे। प्रेम की यात्रा जारी, मिलते हैं एक अल्प विराम के बाद। अंतराल के बाद भोर भक्ति में आपका स्वागत है। कृष्ण दीवानी मीरा तन मन से कृष्ण की सेवा करने लगे। कभी उनके चित्र पर दही और मक्खन चढ़ाती, कभी उन्हें खाने के लिए बोलती, तो कभी बंसी लाकर उसे बजाने के लिए कहती। इसी बीच बसंत ऋतु आ गई और मीरा का प्रेम अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गया। मीरा मात्र भक्त होती तो शायद कृष्ण उनकी और भी कठिन परीक्षा लेते, किंतु वो प्रेयसी थे। कहते हैं एक दिन उस चित्र से निकलकर स्वयं कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए। कृष्ण को अपने सामने पाकर मीरा जैसे अपनी सुध-बुध खो बैठी। कृष्ण ने स्वयं मीरा से माखन लेकर खाया और बंसी बजाकर सुनाई। प्रेम में डूबी मीरा ने कृष्ण से कहा, मुझे तो मां ने कह दिया है कि मेरा विवाह तुमसे ही होने वाला है, मगर पति क्या ऐसे होते, कब से तुम्हें बुला रही तुम आते ही नहीं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो खेलने चलते। इसके बाद क्या हुआ, क्या कृष्ण मीरा से विवाह करने को राजी हुए, जानेंगे इस भक्ति गीत के बाद। मीरा तो जैसे अपनी जिद पर ही अड़ गई। उन्होंने कृष्ण से कहा, यदि तुम नहीं आ सकते हो तो मुझे ही अपना पता बता दो, मैं स्वयं ही तुमसे मिलने आ जाऊंगी। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, कोई अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और रहता है क्या, मैं तो तुम्हारे हृदय में रहता हूं। मेरा इस उत्तर से संतुष्ट नहीं था वो, कृष्ण से विवाह की जिद पर अड़ गई थी। कृष्ण ने कहा, अभी तो हम बच्चे हैं, विवाह तो युवावस्था में होता है, अभी चलो खेलते हैं। मीरा को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था, वो तो मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। पूरे राजस्थान में मीरा की ये कथाएं फैल गई थी, सब उन्हें पागल समझने लगे थे, किंतु मीरा को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वो कृष्ण प्रेम में और भी दीवानी होती गई। युवावस्था को प्राप्त करते ही माता पिता ने मीरा का विवाह उदयपुर के महाराज कुंवर भोज से करवा दिया था, परंतु मीरा उन्हें पति मानने को तैयार नहीं थी। वो तो कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। वो मंदिरों में जाकर कृष्ण की पूजा करने लगी, सब उन्हें प्रेम दीवानी कहने लगे। इसी बीच कुछ ही दिनों में उनके पति कुंवर भोज की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद मीरा का क्या हुआ, क्या कृष्ण उनसे मिलने फिर आए, इन सारे सवालों के जवाब हम देंगे इन गीतों के बाद। उधर मीरा के पति कुंवर राजा भोज की मृत्यु हो चुकी थी और इधर मीरा मंदिर में कृष्ण को ढूंढ रही। मीरा के ससुर ने उन्हें विष का प्याला पी सती हो जाने को कहा। मीरा ने वो विष का प्याला लिया और देखते ही देखते कृष्ण का नाम लेकर सारा विष पी गई। कृष्ण के प्रेम ने उन्हें मरने नहीं दिया। इसके बाद मीरा वहां नहीं रुकी, वृंदावन और मथुरा जाकर वो गली गली कृष्ण को ढूंढने लगी।
वो सुध-बुध खोकर कभी नाचने लगती तो कभी कृष्ण प्रेम का कोई गीत गाने लगती। कहते इस अवस्था में एक दिन वो कृष्ण की एक मूरत में जाके समा गई और दुनिया को दे गई मीरा और कृष्ण की एक अद्भुत प्रेम कथा। भोर भक्ति में हमने आज सुनी कृष्ण और मीरा की पारलौकिक प्रेम कथा। ऐसी ही दिव्य भक्तिपूर्ण अलौकिक और अद्भुत प्रेम कथा के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।